स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन अनाउंस किया है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आज रात से 9 बजे से ही होगा, क्योंकि जो लॉकडाउन का मेजर्स है और पहले जो 144 का ऑर्डर उन्होंने इशू किया था वो रात में 9 बजे से ही आज रात से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। इसके अलावा 5 सुबह 5 बजे तक, थर्सडे की सुबह 5 बजे तक इसका इम्प्लीमेंटेशन चलता रहेगा। इसमें जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली बंद रहेंगे। इसमें मार्केट्स बंद रहेंगे एक्सेप्ट ग्रॉसरी शॉप्स और मेडिकल शॉप्स, इमरजेंसी आइटम्स के लिए जितने भी शॉप्स होंगे वो खुले रहेंगे। इसमें मर्चेंट एसोसिएशन डिसीजन लेगा, 1/3 कैपेसिटी से शॉप्स उसमें खुले रहेंगे। इसके बाद जिस शॉप का फ्रंटेज एरिया 1 मीटर से कम है उसमें सिर्फ एक ही आदमी खड़ा रह सकता है, और जिसका फ्रंटेज एरिया 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है वहाँ पे 2 आदमी एक साथ में खड़े रह सकते हैं। मास्क वेयर करना सभी के लिए कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है। इसके अलावा जो फ्यूनरल्स है उसमें 20 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। मैरिज के लिए भी हम लोग परमिशन दे रहे हैं जिसमें 50 से ज़्यादा लोग इसमें रहेंगे नहीं। जो भी इस लॉकडाउन वायलेट करेगा इसके अगेंस्ट पुलिस प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ है इसके लिए एग्जेम्पशन दिया है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ERDD रिलेटेड एक्टिविटीज़, कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज इसमें एग्जेम्पशन है, गुड्स मूवमेंट इसमें एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, म्यूनसिपल एक्टिविटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारा एक्टिविटीज़ इसमें एग्जेम्पशन किया है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स है ये सारा खुला रहेगा, और मेडिकल स्टोर्स, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोस्टल कुरियर सर्विसेज इसके लिए भी एग्जेम्पशन दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा इंतज़ाम किया है। इसके साथ में हमारे साइड से भी उनको एडिशनल व्हीकल्स इस पूरा लॉकडाउन मॉनिटर करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि हाउस टू हाउस सर्वे हमारे पूरे पश्चिम त्रिपुरा जिला में मंडे से स्टार्ट होगा, इसके लिए हमारे जितने भी GP, VC और वार्ड, हर एक GP VC में हमारे मिनिमम 3 या 4 फील्ड वर्कर्स, फील्ड टीम्स काम करेगी। इसके अलावा 178 सुपरवाइजर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको ट्रेनिंग भी किया है और उनका अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। इसके अलावा 99 टेस्टिंग सेंटर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने आइडेंटिफाई किया है, जितने भी हमारे PSCs है, UPSCs है वो टेस्टिंग सेंटर्स रहेगी। इसके अलावा जो सब सेंटर्स है, कुछ स्कूल्स है, वो हर GP विशेष हर एक 3-4 विलेज या वार्ड मिला के उसको आइडेंटिफाई किया गया है। उसका पब्लिसिटी फील्ड लेवल में आज चल रहा है। सभी जो फील्ड वर्कर्स है उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, सर्वे फॉर्मेट्स, उसके अलावा स्टिकर्स सभी को आज शाम तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंटीजन किट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका हम पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जितने भी सैंपल्स कलेक्ट होंगे या सर्वे कंप्लीट होगा उसका डेली रिपोर्ट हम हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजेंगे, और ये पूरा प्रोसेस जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं, हमने हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स है भगत सिंह, हापानिया और स्पोर्ट्स स्कूल, इसके अलावा मोहनपुर में हमने हेज हमारा PSC में कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर किया है, जीरानिया में भी हमने कुमलुंग में एक कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर किया है। तो जो मोहनपुर के केसेस मोहनपुर में ही रहेंगे, मोहनपुर सब डिवीज़न के, जिरानिया के जो केसेस हैं वो जिरानिया सब डिवीज़न के अंदर ही रहेंगे, और अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सब डिवीज़न के जो केसेस हैं वो हम खपानिया या हमारा जो स्पोर्ट्स स्कूल है वहाँ पे हम उसको शिफ्ट करेंगे। जो टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ से कोविड केयर सेंटर्स में लेकर जाने के लिए हमने व्हीकल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, स्टाफ्स को नेसेसरी ट्रेनिंग दिया गया है, और ये पूरा प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिविजनल लेवल से प्रॉपरली मॉनिटर होगा। हमारे जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SDMs, BDO, DCs और सेक्टर लेवल ऑफिसर्स ये पूरा प्रोसेस लॉकडाउन और हाउस टू हाउस सर्वे एकदम इंटेंसिवली मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और CMO कंट्रोल रूम ये भी एक्टिवेट रहेगा और कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को मॉनिटर करेगा। सर लॉकडाउन में सभी हमारे लोगों को बताना चाहूँगा कि हाउस टू हाउस सर्वे का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमें कोविड के केसेस है, जिनका भी सस्पेक्टेड केसेस है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको प्रॉपरली ट्रीट करना है, उनको आइसोलेट करना है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो,
कोरोना वायरस का स्प्रेड कम्युनिटी लेवल पे या लोकल ट्रांसमिशन लेवल पे उसका बिल्कुल ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम लोगों ने किसी ने पैनिक नहीं करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें केसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ने से हमें डरना नहीं है, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी केसेस है हम वो अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर हम इमिजिएटली एक्शन ले रहे हैं ताकि जो बाकी पॉपुलेशन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैं सभी लोगों को ये अनुरोध करूँगा कि ये फील्ड सर्वे, लॉकडाउन, इसमें सभी लोग कोऑपरेट करें और जो फील्ड वाले हमारा स्टाफ है उनको कोऑपरेट करें, डॉक्टर्स को सहयोग करें, पुलिस प्रशासन को सहयोग करें और एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करें। इसमें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इसमें सारे बाजार अलाउड नहीं है। जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो मार्केट्स, इसके अलावा मिल्क, फिश, ये मार्केट्स अलाउड रहेंगे। लेकिन इसमें यही क्राइटेरिया दिया है कि 1/3 कैपेसिटी से कम होगा। वहाँ पे मास्क वेयर करना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, सैनिटाइजर यूज़ कंपलसरी है।